हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अहमदाबाद की बहुत फेमस आइसक्रीम सैंडविच की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइनएप्पल आइसक्रीम सैंडविच बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 स्लाइस ब्रेड की। तो यहाँ पर मैंने बॉर्डर निकाल दिया है, तो ऐसी हमें स्लाइस चाहिए। और ये जो स्लाइस है बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, वो आप खास ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बटर लगा देते हैं और बटर भी रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, तभी जाके अच्छे से स्प्रेड होगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बटर स्प्रेड कर लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, 2 स्लाइस के ऊपर पाइनएप्पल जैम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पाइनएप्पल जैम, तो 2 स्लाइस के ऊपर हमें पाइनएप्पल जैम लगाना है। ये दोनों सैंडविच अहमदाबाद की बहुत फेमस है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम क्या करते हैं, एक ब्रेड की स्लाइस के ऊपर पाइनएप्पल स्लाइस रख देते हैं और दूसरी जो स्लाइस है इसके ऊपर हम पाइनएप्पल आइसक्रीम रखेंगे। ये जो दोनों स्लाइस है इसके ऊपर चीज ग्रेट करना है और यहाँ पे बहुत सारा चीज यूज होने वाला है। ये जो सैंडविच है चीज लवर और आइसक्रीम लवर के लिए बेस्ट है और यहाँ पे हम बहुत सारा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो आँख बंद करके आपको चीज़ डालना पड़ेगा, तब जाके इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो टोटल यहाँ पे मैं 3 क्यूब चीज़ यूज़ कर रही हूँ। चीज़ का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने ऊपर है। इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देना ताकि आइसक्रीम जो है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जो पाइनएप्पल स्लाइस है इसके ऊपर ये वाला स्लाइस रख देंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे बटर वाला स्लाइस और इसे जस्ट थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। अब इसे कट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी बटर लगा देंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्का सा बटर लगा देंगे इसके ऊपर भी। और इसके ऊपर रख देंगे ग्रेटेड चीज। जो लोग हेल्दी खाते हैं उनके लिए सैंडविच नहीं है, जो टेस्टी खाना पसंद करते हैं उनके लिए है। तो आप देख सकते हैं सैंडविच हमारी रेडी है। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग और एकदम ठंडी ठंडी सैंडविच रेडी है। आप इसे समर में एंजॉय करें, मैं तो कोई भी टाइम खा सकती हूँ इसे। पाइनएप्पल आइसक्रीम सैंडविच हमारी रेडी है। अब हम बना लेते हैं चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 3 स्लाइस ब्रेड की। तो यहाँ पर मैं बिना बॉर्डर वाली 3 स्लाइस ले रही हूँ और ये तीनों स्लाइस के ऊपर हम बटर लगा देंगे। ये दोनों सैंडविच अहमदाबाद की बहुत फेमस है और बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैं तीनों स्लाइस के ऊपर अच्छे से बटर लगा देती हूँ। और ये जो दोनों बटर वाली स्लाइस है इसके ऊपर चॉकलेट सॉस लगा देते हैं। तो ये जो चॉकलेट सॉस है इजीली मार्केट में मिल जाता है, आप इसकी जगह नटेला भी ले सकते हैं। चॉकलेट का प्रोपोर्शन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी स्लाइस के ऊपर भी चॉकलेट सॉस लगा देते हैं।
आपने बहुत सारी टाइप की सैंडविच खाई होगी, पर ये वाली जो सैंडविच है वो अलग है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम क्या करेंगे, एक स्लाइस के ऊपर चॉकलेट चिप्स लगा देते हैं। चॉकलेट चिप्स आपको मिल्क, वाइट या डार्क जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं। और दूसरी जो स्लाइस है इसके ऊपर आइसक्रीम रख देते हैं। और यहाँ पे मैं चॉकलेट आइसक्रीम ले रही हूँ, अगर आपको वेनिला आइसक्रीम पसंद है तो आप वेनिला भी ले सकते हैं। अब दोनों स्लाइस के ऊपर चीज रख देंगे। चीज का प्रोपोर्शन आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। जिनको भी चीज पसंद है और चॉकलेट पसंद है इनके लिए बेस्ट सैंडविच है, और जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ और चॉकलेट और आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं। और जो आइसक्रीम वाली स्लाइस है इसके ऊपर भी हम चीज़ रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, आइसक्रीम वाली जो स्लाइस है इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स वाली स्लाइस के ऊपर रख देंगे, और इसके ऊपर बटर वाली स्लाइस, और इसे जस्ट थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, और वापस इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे। अब इसे कट कर लेते हैं। वापस इसके ऊपर चीज जाएगा। चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच हमारी रेडी है, इसे सर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी रख सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। दोनों सैंडविच हमारी रेडी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओ वाओ, तो दोनों आइसक्रीम सैंडविच हमारी रेडी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।